सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हुए उपद्रव मामले में 21 नामजद छात्र और 100 अन्य लोगों पर बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन छात्रों पर बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक रास्ता रोकने, आपराधिक षड्यंत्र, कुलपति को बंधक बनाने, रास्ता रोकने, निजी वाहन पर पथराव करने का मामला दर्ज किया गया है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर। यह पूरा घटनाक्रम दिव्यांग छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों ने करीब 36 घंटे तक विश्वविद्यालय कैंपस में धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्र ब्रेल लिपि में पुस्तक, ब्रेल लिपि में प्रिंटर सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति से मिलने की जिद पर अड़े रहे। प्रदर्शन के 33 घंटे बाद कुलपति ने 5 मिनट की मुलाकात की और उनकी बातें सुनी, जिस पर छात्र संतुष्ट नहीं हुए और जब कुलपति अपने चार पहिया वाहन से यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाने लगी तो छात्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान वह गाड़ी के आगे भी लेट गए, तब पुलिस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी मार्ग पर चक्का जाम भी किया था। विश्वविद्यालय की मीडिया अधिकारी ने विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए मौजूद सुविधाओं और जिनकी कमी है उनको पूरा करने से संबंधित पत्र भी जारी किया था। दिव्यांग छात्र हैं, उनके जो लिखने पढ़ने के संसाधन ब्रेल लिपि की जो बात कही जाती है या फिर उनके लिए रैपो की बात की जाती है ताकि वो आसान से सुगमता से डिपार्टमेंट में चल सके या वाहन की बात कर सके जो जाके वो हॉस्टल से आराम से आ सके जा सके, इन सारी सुविधाओं से उनको वंचित किया गया है, जिसको हम लोग मांगने के लिए यहाँ धरना पर बैठे। बीसी मैम ने कल भी मिलने से इनकार कर दिया, आज भी मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद से जब आज शाम को निकली है मैम तो पुलिस वालों को बुला करके हम लोग को डंडा से मरवा के किनारे करवा कर और वो चली गई। पुलिस वाले से कोई बात नहीं करेगा, सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम चल रहा था जो यूनिवर्सिटी से संबंधित मेरे ख्याल से आप सवाल पूछ रहे हैं। तो उसमें जैसा कि आपको ध्यान में है कि कुछ छात्र अपना यूनिवर्सिटी से कुछ सुविधाओं के संबंध में डिमांड लेकर बैठे हुए थे, परंतु उसके द्वारा जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनको निकलने नहीं दिया गया, उनका रास्ता रोका गया और लगभग 4-5 घंटे उनके ऑफिस के बाहर उनका रास्ता अवरुद्ध करके बैठे थे। और परंतु जब पुलिस फोर्स भी था वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी थे, उनके द्वारा भी काफ़ी समझाया गया, परंतु जब वीसी मैडम के द्वारा निकलना चाहा तो और बातचीत भी 1-2 मिनट हुई, परंतु उसके बाद फिर नारेबाजी होने लगी और उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जब उनका वाहन निकलने लगा तो उनके वाहन पर पथराव भी किया गया। पथराव में जो वीसी मैडम की कार का एक शीशा फूटा है, कार के छत के ऊपर भी 2-3 पत्थरों का निशान है और कुछ लोगों को उसमें चोट भी आई। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरण है और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पथराव किया है, जिन्होंने अवैध तरीके से रास्ता रोका है और एक तरह से उनको रोक कर रखा है, उन पर प्रकरण दर्ज किया और हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें छात्र भी शामिल है। छात्रों की तरफ से आवेदन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सर, इसमें छात्र भी शामिल हैं जिन पर FIR हुई है। ये इसमें जो बताया गया है, जो नाम सामने आए हैं, ये छात्र हैं, परंतु इनके द्वारा जो आपराधिक कृत्य किया गया है, खासकर रास्ता रोकने का, परंतु जो सबसे गंभीर है कि जो एक महिला अधिकारी हैं, VC हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव करना और साथ ही साथ जिसमें कि पत्थर से कुछ लोगों चोट भी आई, वो एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ इसमें? क्योंकि एक पूरा एक उसका भीड़ का मामला था, इसमें करीब करीब 80-100 वहाँ पर लोग उपस्थित थे। पथराव भी ऐसे लगभग 25-30 लोगों के द्वारा पथराव किया गया, ऐसी हम अंदेशा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा लाइट कम होने लगी थी, उस समय पथराव हुआ, तो इसकी अभी विवेचना में 15-20 जो लोग हैं उनकी पहचान भी हुई है, प्रशासन ने हमारी पहचान करने में मदद की है और आगे भी ध्यान करेंगे कि इसमें और भी वीडियोग्राफी हुई है कई चीज़ों की, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों का चिन्हांकन किया जाएगा और जो ऐसे तत्व हैं जो इसमें जिनके द्वारा कानून को हाथ में नहीं लिया गया है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन विद्यार्थियों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसे लोग जो या तो विद्यार्थी नहीं है परंतु वहाँ पर उसमें उन्होंने भड़काने का प्रयास किया या फिर विद्यार्थी होते हुए भी कानून को अपने हाथ में लिया, पथराव किया, उन पर वैधानिक कार्रवाई। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री,
बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ तीन गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP, फोन 9300229082।